विवाह में बैसाखी का त्यौहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय मुसलमानों ने भी सिख समुदाय को बधाई दी। मुसलमानों ने सिख समुदाय के लिए शरबत और अन्य चीजों की व्यवस्था की, जिस पर सिख समुदाय ने मुसलमानों को धन्यवाद दिया। सबसे पहले आपको कल के सरदार भाई हैं, जितने भी इलाका हमारा होता है हम मिल बैठ के हम बीरवा में यहाँ अपना प्रोग्राम मनाते हैं। और जहाँ पे सभी इस वक्त हमें फ़ख्र है कि बहुत सारे स्टाल यहाँ पे थे जो मुसलमान बरादरी ने लगाए थे और हमारे भी थे, और हमने एहतराम से इस दिन को मनाया। कल भी यहाँ इनको मुबारकबाद देने के लिए हम कल भी आए, तो आज भी हमने यहाँ एक छोटा सा स्टाल लगाया था एज अ टोकन ऑफ लव इनके लिए। हमने इनको एज ये भाईचारे के लिए इनको ये दिखाने के लिए पूरे मुल्क को कि हम आपस में मिलजुल के सारे त्यौहार मनाते हैं, तो इस साल भी बैसाखी का त्यौहार हमने मिलजुल के इनके साथ मनाया। जो भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, कोई भी ईसाई धर्म हो, ये धर्म तो आपस में यही बात सिखाता है कि आपस में भाईचारा होना चाहिए, इंसान इंसान के काम आना चाहिए, यही तो मज़हब सिखाता है। तो जो मज़हब पर चलता है तो समझो फिर हम सब एक ही हैं। बीरविक लोकल यहाँ इन कुछ चीज जरूरत आह आज मिल सार ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकोट रोजो अदान मुल्क तरक्की और उम्मीद सारे ये मैसेज ये योत कह पू मुल्क पूरे स्टेटस यूटी से मैसेज दिवान कि मिलजुल ये रोजो इकोट रोजो तेल कर सोन मुल्क तरक्की तो रोजो खुश खुश प्यार मोहब्बत इसको जोड़ के आपस में रला के चलो। कोई भी आपस में जो है ना इत्तफाकी ना रखो, तो जो भी पैगाम पैगम्बरों ने हमें दिया है वो इंसानियत का पैगाम दिया है, तो उस पे यहाँ के जो सरदार हैं और ये जो मुसलमान कम्युनिटी है मजाटी वाली, वो सारी इस बात को मान के आज तक चल रहे हैं।